लैंड कर गए हैं। नाज़रीन, आज के जो हमारे इस वक्त के सुपरस्टार मेहमान हैं वो हमारे बेस्टीज में शुमार हो चुके हैं अब, और हम अब इनसे बिल्कुल जैसे होता है ना एक फैमिली वाला माहौल बन गया मेरा, तो मैं तो आराम से दिल की हर बात इनसे कर लेता हूँ जो मैंने कहनी होती है इनसे। एक ऐसे कव्वाल, एक ऐसे सिंगर जो पाकिस्तान की शान है, आजकल कोई भी लाइव कव्वाली सेशन या लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस इनके बिना अधूरी लगती है, मानते हैं आप सब? पूरा पाकिस्तान आप भी मानते होंगे, और अब तक आप लोग गेस कर चुके होंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। और अगर मैं दो तीन गानों के हल्के हल्के बोल इजाजत हो तो कर दूं तो मतलब मजा आ जाएगा। तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, या फिर ढोले नु काला सूट सोना लगे, या फिर तेरे ते हर रंग सूट करदा। थैंक यू, आला क्या बात है। द वन एंड ओनली सुपरस्टार सिंगर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का मान, आप सबके बहुत अपने, हमारे बहुत अपने, इनकी आवाज में जादू बसता है। जब माइक उनके सामने आता है तो वो उनका ताबे हो जाता है। ईद की खुशियों में कई चांद लगाने आ गए हमारे बीच हम सबके बहुत अपने शेर मियां दास साहब। ये अस्सलाम वालेकुम, मुबारक सब मिलके सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आप भी बोले ईद मुबारक। हम सब आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू। पहले तो आप जो मुझे इज्जत अता करते हैं जैसी भाई डॉक्टर साहब, ये मेरी जान और जिगर है। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं इस काबिल नहीं हूँ जितनी आप मेरी तारीफ करते हैं। और हम तो कब से आपकी राय देख रहे थे, कब से इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, मेरे भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इंतजार किया और आपने किया। और देखें, हमने इनका एक गाना रोका हुआ था जिस गाने में आप भी हैं। ओ याद आया आपको वो गाना? मेबी वो इनका गाना है उस गाने में। आई मीन वही, मतलब इनका गाना दोनों का ही हुआ ना, एक और 11 होते हैं जी। शेरमियां दास साहब, पहले तो बहुत मुबारक हो आपको ईद की। जी आपको भी बड़ी बड़ी ईद मुबारक, और केएन देखने वालों को, डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देखने वालों को बड़ी बड़ी ईद मुबारक। सो मुझे बताएं कि ये ईद कैसी जा रही है, घर में क्या मामूलात होते हैं ईद पे? ईद में आपको पता है सबसे जो मुश्किल काम है वो बकरा चूज करना। यस, खाने की बात नहीं, पकाने की भी बात नहीं। तो आपने क्या चूज किया इस दफा? बकरा ही ना। मतलब कि किस रंग का, क्या हमेशा नोट करता हूँ सबकी, कौन कितना, आपका फेस भी ट्रिम हुआ है। आपको बहुत मुबारक हो इस काम में। डॉक्टर साहब आपने मुझे एग्जैक्टली इन्होंने बड़ी टिप्स मुझे दी। फिर जब इन्होंने कहा कि आप वीडियो बनाते हैं उसमें खुद एज ए हीरो, exactly. उसके लिए थोड़ा सा तो मैंने लग भी रहा है, देखा स्क्रीन में बहुत अच्छा आपका फेस आ रहा है। सो यानी कि बकरा चूज कर लिया आपने, ब्लैक। बड़ी मुश्किल बात मैं जी प्लीज, यानी रात को अम्मा ने कहना होता है बकरा ले गया। बिल्कुल। अब एक दिन मैं ना, पिछली ईद की बात है भट्ट साहब, मैं बकरा ले आंदा। हाँ। अब बकरा सुबह जब देखा तो उसका सींग टूटा हुआ है। ओह माय गॉड। मम्मी कहने पुत्र तू रात ही लेने गया थी, है कि ले गया? और मैं कहा जी तुसी ये सारा किसी और नु सुन या, लेकिन सच्ची बात है, देसी बकरा खरीदना ये भी किसी के सिर पर अच्छा गोश्त जिसका हो, जो अल्लाह की राह पे आपने देना है। बिल्कुल। तो अगर आपकी ये सोच मैं अपने रब की राह पे देना है तो यकीनन आप बहुत अच्छा जाके खरीदेंगे। अगर आपके मन में ये होगा कि ये मैंने खाना है तो फिर गलत भी हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। देखिए हम तो ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह की राह में जाने का जज्बा है ना, वो सबसे पहले होना चाहिए आपका, वही तो मेन मकसद है। मेरे ख्याल से आजकल ज्यादा लोग दौड़ में लगे हुए, अगर उसने दो लिए है तो मुझे तो चार लाजमी लेने, कंपटीशन चल रहा है। बल्कि ये जो हम शुरू में, हमारे घर कितनी रहने आई है ये भी बड़ा दुख। शुरू में हम जैसे प्रोग्राम के शुरू में हम ये बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला को ना तो जानवर की खाल जाती है, ना उसका गोश्त जाता है, ना उसका खून जाता है, अल्लाह ताला को सिर्फ वो जज्बा और नियत ही पहुंचती है जिसकी वजह से हो, जानवर तो जाता ही जाता है जन्नत में, शायद इंसान भी उसकी वजह से चला जाए, कई उसकी मुसीबतें टल जाती है। यस, तो उसके कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने की जरूरत है कि हम लोग एक अंधी तकलीद में पड़ जाते हैं कि 10 लाख की गाय हो, 15 लाख का जानवर हो, बहुत ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। अगर आप
दो दो लाख वाले पांच ले लें तो 10 लाख में यू नो ज्यादा कुर्बानी हो सकती है, लेकिन उससे शो ऑफ नहीं होता, तो इसलिए लोग कुर्बानी को एक फैशन के तौर पे एक सिंबॉलिकली करना जब मैं तो अक्सर देखता हूँ जब हमारी जो ना जब आती हैं वो न्यूज फीड आ रही होती है फेसबुक पे, कितने कितने लोग खाने जाया कर रहे हैं, 12 डिशेस बनाई हुई हैं, ये अचारी वो ये वो चांपे यार क्या। वैसे भी जब आपके पास बहुत से खाने आ जाए हाँ इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है, फिर बंदा जो तो नियत वाला बंदा ना वो तो एक ही सालन खा लेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, जेड़ा बदनीता होगा कहेगा ओदे च भी लवा ओदे च बिल्कुल सही है उसका। फिर एक सवाल करूं आपसे, आपने इस साल कितनी ईदी दी है? अच्छा हमेशा मैं खुश होता हूँ या मैं कहता हूँ अल्लाह पाक मुझे आपने इस काबिल बनाया क्योंकि मेरी माँ की दुआओं से। अच्छा कभी ये नहीं हुआ कि इतनी दी नहीं, अच्छा ये आप गिनते नहीं है जो किसी को चाहिए। इवन देन मेरी बेटियाँ हैं, मेरा बेटा है तो वो कहते इतनी ईद, वो मैं कहता हूँ तुम्हें कितनी चाहिए बता। हाँ। क्योंकि वो हम अपना बचपन सोचते हैं बिल्कुल सही कि जब हम मांगते तो वो दौर भी ऐसा था कि हमें घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं होती। बिल्कुल सही, तिक्र भी होता सी उन्होंने सारे दिहाड़ी देखना एग्जैक्टली इतने शौक से देखना जो तुझे आठा ने असी खा जाने उसके बाद वो 50 पैसे का दुख भी बड़ा होना दिल घटना शुरू हो जाना शाम नु कर लेंदे ये देखे ना ट्रेंड बदल गया। फिर ईद पे अपना वो रुपया खर्च लेना और फिर दूसरे की बोतल भी देख रही वो कोका मुझे मैं ऐसे करता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, ये मेरे पास पैसे होते तो मैं पहले ये काफी यादें आ रही हैं इस बात की मुझे सोच के पुरानी ये होता था कितने क्यूट माशाल्लाह लग रहे बताते हुए सही बात है बिल्कुल सही। देखिए ईद मैंने कहा ना कि एक फितरती तौर पे हाँ एक हैप्पीनेस है बिल्कुल सही। एक अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है मुसलमानों के लिए कि आप ये दो दिन खास तौर पे और उसमें फिर आप ऐड कर लें 12 रबीउल अव्वल भी तो अल्हम्दुलिल्लाह के लोग करते हैं तो लेकिन बचपना जो है ना वो एक बड़ा प्योरिटी से भरपूर, जब तक वो बचपना आपके अंदर कायम रहेगा ना आपको रियल खुशी मिलती रहेगी। जब तक उसको हमने इतना प्लास्टिकली उसको डेवलप कर लिए मैं चीजें कि ये होगा तो हम खुश होंगे, रात सोता वो होगा तो खुश होंगे, कपड़े अपने से कपड़े देखिए एग्जैक्टली ये होता था। अच्छा जब तक कपड़े घर नहीं आने तो दर्जी की दुकान पे जाके देखने क्योंकि अब्बा जी ने लेके देने से आप देखिए वो जो सूट है वो मेरा है। यस फिर जूते जब लेने फिर जूतों का बड़ा ये खुशियां बहुत अहम होती थी। ये पहनने ही पे पहनने हां जी चौल छोले खाए जाने पापड़ियां खाई जानी एग्जैक्टली मीठा चूरन खा लेना वो अपने पैसे बड़े मजे के आते खर्च करने का आग लगा दो आग लगाता था। सही बात है तो ये चीजें अपने पैसे आजादी से खर्च करने का चाहिए अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं। अच्छा शेमिंदा साहब घर में जो खाने बनते हैं ईद पे फेवरेट डिश कौन सी जो कहते हैं बनवाते हैं यार ये स्टू है एक डिश है क्या है नाम इसका इस्टू। उसमें लाल मिर्च मसाले होते हैं अच्छा खड़े मसाले उसमें होते हैं तो वो अच्छा पुट का गोश्त नाइस तो वो लेकिन सबसे पहले जब सबको बांट के उसके बाद अम्मा वो कलेजी गुर्दे वो बेस्ट होते हैं वो तो बेस्ट होते हैं उसके अलावा होते हैं लेकिन अच्छा मेरे से ज्यादा मैं अपनी बात करता हूँ खाया नहीं जाता बस वो जो आ गया समझ ले खा लिया लेकिन ज्यादा नहीं खाना बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल मौका भी है और दस्तूर भी और हम बिल्कुल ये वक्त जाया नहीं करेंगे कि हमें पता है कि जो हमारी घर बैठी ऑडियंसेस हैं वो प्राइम तो टाइम में शामिल प्राइम हो चुका है, में प्राइम टाइम। आ चुके हैं शेर में दास अब तो एक ऐसा ईद का तोहफा होना चाहिए आपकी आवाज तो स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम जैसे as you like. आप बताएंगे आपकी चॉइस आप क्या गाना सुनाएंगे वैसे एक तो आप ड्यूट करना सारा दिन आपका हम इंतजार करते रहे ईद वाला दिन और हमारी ईद अब हुई जब आप तशरीफ लाए जो आपका ड्यूट है ना इस दौरान जैजी ने हमें आपका गाना माशाल्लाह 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 वही करते हैं मेरा वही क्योंकि माशाल्लाह से तो इनको खूबसूरत चेहरे देखे आपने इतने प्यारे चेहरे बैठे हैं ये बड़ी प्यारी है ये बड़ी प्यारी सही बात आप बहुत प्यारे हैं आने दें फिर और वो भी बहुत प्यारा है और ये खाना लेके आए खास तौर पे अफगान हदाली बैठक से जो कि अस्कर 11 के बिल्कुल और बैठक से लाए हैं तब से वहीं पे बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ /Phase 6 पे ये है इस वक्त और जनाब गाना शुरू करते हैं फिर जब देखूं सूरत तेरी तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह तो दिल बोले
जब देखूं सूरत तेरी तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह। जब देखूं सूरत तेरी तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह। जब देखूं सूरत तेरी, जब देखूं सूरत तेरी, तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन क्या वजह है कि वो सब तड़पती हैं, फड़कती हैं आपके साथ काम करने के लिए? आप उनको मद्देनजर रखते हुए गाने बनाते हैं या उनको देखने के बाद आपके जहन में ऐसे गाने आते हैं? और एक और बात, कि जो नया गाना आता है वो पहले से ज्यादा मजेदार क्यों होता है? क्या बात है? सबसे पहले तो ये अल्लाह की रहमत है। सही बात है। सेकंड देन ये कि वाकई मैं जब भी कुछ लिखता हूँ, कंपोजिशन बनाता हूँ, तो मेरे जहन में ये चलता है कैरेक्टर कौन सा। अब जो माशाल्लाह जब लिया तो हमारे लेजेंड है खुशबू जी, उनको मैंने कहा, उनका और उनकी भी बड़ी मेहरबानी। और एक बात बता कि हमारा ऐसा दोस्ताना सबसे कि वो लोग सारे मेरी इज्जत करते हैं, मेरी एक कॉल पे कहते हैं जी, ना उनको मैं ऑन एयर बता कभी डॉक्टर साहब, ना उन्होंने पैसे की मुझसे डिमांड की, ठीक है, हालांकि वो माशाल्लाह बहुत पैसे लेने वाले लोग, बहुत तो मैं उनका ऑन एयर ये मैं एतराफ़ करता हूँ कि उनका उन्होंने बहुत मेरा रिगार्ड करते हैं दीदार जी के साथ। मैंने ये बात खुशबू से भी की, ये बात दीदार से भी की, आप यकीन करें यही सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा खान साहब इतने बड़े लेजेंड हैं कि हमारा इतना ऑनर है कि उनके साथ हम और मेहरबानी जी हैं, दीदार जी हैं, खुशबू जी हैं। अब कुछ नया आने वाला है, अब क्या नया आ रहा है? अब अच्छा बताओ, बता देना कुछ हल्का सा सरप्राइज आ रहा है। अब नेक्स्ट सॉन्ग किसके साथ आ रहे हैं? अगर मैं कहूँ ये तीनों इकट्ठे हैं तो मान है फिर हम कहेंगे दिल बोले माशाल्लाह। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इंशाल्लाह तीन है उसमें, उसमें कोशिश है कि मैं तीनों आए, दीदार दो तो एग्री हैं, दीदार और तीसरी को भी अब मैंने कहा नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जिसको मैं कहूंगा उन्होंने मुझे इनकार नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। जनाब रंगों की बातें करते हैं, रंगों का बहुत तालमेल है ईद के साथ। आइए अपने सेलिब्रिटी से पूछते हैं कौन सा रंग उनको उनका नुमाइंदा बना इस ईद पे, आई मीन किस रंग को वो टैली करते हैं शख्सियत के साथ अपनी। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, उनको पसंद है ब्लैक। ब्लैक तो हमेशा एक यूनिवर्सल कलर है जो कि सबको पसंद होता है। मजे की बात है, जिन्होंने मेहरून कहा उन्होंने ब्लैक पहना हुआ है, और जिन्होंने ब्लैक कहा उन्होंने खुद पीच पहना हुआ है। जो घरों में पहना जाता है, वैसे आप जो बिल्कुल चांदनी मुझे डिफरेंट कलर्स पसंद है, मतलब जो बिल्कुल अलग लगे, ब्लैक व्हाइट वो तो है ही नॉर्मल। आपने क्या चॉइस बनाई इस दफा ईद पे?
पर्पल भजन वो आपने इनपे तो नहीं गाना बनाया सर, वो तेरे हर रंग रंग सूट कर ब्लैक लग वैसे मेरी कोई खास ऐसी चॉइस नहीं है कलर्स में, मैं कुछ भी मिले पहन लेता हूँ, लेकिन ब्लैक इज काइंड ऑफ मिस्टीरियस टू मी, तो मुझे लगता है कि इसमें बड़े अल्लाह ताला ने ऐप छुपाने का वो रखा है, ढांपने का बड़ा कुछ रखा है, तो वो जो गलतियां कुताहियां और वो जो एक डीप सोल कनेक्शन होता है ना, वो मेरा थोड़ा सा ब्लैक के साथ है। मुझे लगता है ये बड़ी प्रोटेक्टिव एक थोड़ी सी वो एग्जैक्टली। और आप टू कलर दो कलर तो ढोले नु काला सूट काला सूट तो काला रंग तो काला तो लेकिन जो दिल से मुझे पसंद है वो व्हाइट कलर व्हाइट लाइट नाइस। अच्छा वैसे तो शोबिज का कलर ना दैट इज ब्लैक, लेकिन यूनिवर्सल कलर्स में ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे ये यूनिवर्सल कलर आज माशाल्लाह आप ब्लैक मतलब कलर देख लें। हाँ जी ये तीनों न्यूट्रल कलर्स इनको बोलते हैं। तो इसी बात पे कहते हैं ना रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, लेकिन यहाँ तो खुशबू आती है उस गाने से जो रंगों पे बना ढोले नु काला सूट सोना। अच्छा आप यकीन जाने मैं जैजी के इस प्रोग्राम की तवसत से और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अपनी दोस्तों की मौजूदगी का, आप यकीन करें इनके गाने की वजह से इनके कई करीबी दोस्तों ने काले कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। पता है कि आज शो में हम हैं तो काला ज्यादा बेहतर रहेगा। भाई जनाब उसी का फिर आपकी ईद को कई चांद लगाते हैं इस मेगा परफॉर्मेंस से, द शो स्टॉपर सॉन्ग कहना चाहिए इसको, ढोले नु काला सूट, जिसने तारीख रकम कर दी है अब तो हर जगह पर, हर शादी में बजता है, फंक्शन में तो आ जाइए सर। मेरा ढोला डाडा सोना गीते जया ना कोई होना, मेरा ढोला डाडा सोना गीते जया ना कोई होना, असी राव चिखलिए ओदी तक ना पवे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे। सोने सोने ने मेरी जान कड लैन, इते मैनू मिल जावे मिले जिंदगी नू चैन, कदे कठे असी बइए मजे जिंदगी दे लईए, कदे कठे असी बइए मजे जिंदगी दे लईए, साडे दोवां विच अल्ला करे विच ना पवे, ढोले नू काला सूट सोना लगे, ढोले नू काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे। ढोला बड़ा मगरूर साडा दिल मजबूर, उनू जिंदगी दा साथी ए बनाउणा मैं जरूर, अल्लाह वक्त ले आवे किते मेरा बन जा, सामने रवे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे। मेरा ढोला डाडा सोना गीते जया ना कोई होना, मेरा ढोला डाडा सोना गीते जया ना कोई होना, असी राव चिख लईए ओदी तक न पवे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु क्या बात है, ढोले नु काला सूट। मैं आपको एक चीज देना भूल गया बिकॉज आप आए हैं हमारे पास मेहमान और काका पान्स ने आपके लिए भी पान दिया है, तो पान आप निकाल लिया, मीठा पान है, बहुत मीठा है, थैंक यू लंबा बाप। ये ईद के तीन दिन खाना है, ईद के तीन दिन खाना है, मैंने तीन दफा खाया है, मतलब तीन दिन खाता रहा हूँ, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन मुंह से खाना, जब देखू सूर तेरी। अच्छा
और उसके अलावा ज़हीर हमारे साथ, बहुत शुक्रिया बिलाल। वो मैं उस पे से आता हूं, वो हमारी जो है एक और, मुझे नाम भूल गया हमारे दूसरे, क्या नाम था कैमरामैन का, बता दे नाम बता दे जरा। कामरान, बिल्कुल कामरान। एंड हमारी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी टीम जो है उसमें बिलाल राजा कहता हूँ इनको, क्योंकि ये वाकई राजा है, ये बहुत कमाल काम करते हैं, जिन पे गाना बनाया आओ राजा वही लग रहे हैं मुझे मुझे तो। और साहिल है जिनकी वीडियोस जो है वो कमाल है, ये लड़का भी चीता मिला है मुझे, आई वॉज इन सर्च ऑफ सच पीपल जो मुझे मिले यंग लड़के। क्योंकि एनर्जेटिक हो अपने काम में, यू सी द वीडियोस आफ्टरवर्ड्स, बहुत कमाल काम कर रहे हैं दोनों। वेल डन टीम, वेल डन टीम। The photography and the decor in style and the style house parties, इन्होंने इस तरह डेकोर किया है। थैंक यू सो मच फॉर द लवली डेकोर, जो जाजा उनका नाम है, अमेजिंग। सो सब पता होता क्या, ये सारा एक टीम वर्क होता है जिसके हम लोग वो होते हैं, और काशिफ रोज चाय लेकर आते हैं। आज तो काशिफ ने डांस भी किया है, मजा आया, कमाल किया है। उसके अलावा हसान को मैं कैसे भूल जाऊं, हसान वो चीता है जो गेस्ट को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है नीचे से, और मैं कहता हूं हसान अगर ना हो तो हमारा क्या बनेगा, यू नो एक एक बंदा है, नदीम साहब है, काफी लोग साहब यहाँ पर हैं, सब टीम ही है, और हमजा तो है ही है ना, क्या हो गया हमजा मेकअप में, आज मेकअप भी हमजा नहीं किया हुआ मेरा, बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच। सो जनाब एंड थैंक यू H&R फॉर माई वार्डरोब दिस टाइम, आपने बड़े अच्छे मुझे वार्डरोब भी दिनों दिन दिया। ये फैन रह गए, ये फैन इसका भी बहुत शुक्रिया, इसने बड़ी जिम्मेदारी से बहुत जिम्मेदारी से। सो गाइस मिलेंगे इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में, नई मंजरें होंगी, जो करता है अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर।